हमारे साथ में अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट मंजू सिंह जो कि केंद्रीय बिहार सेक्टर 82 से हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अभी अपार्टमेंट में किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था है और किस तरीके से अभी लोग व्यवस्था से वंचित हैं, इनसे जानकारी लेंगे। तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने कीमती वक्त दिया हमें, और मैं जानना चाहूँगा कि अभी आपके अपार्टमेंट में मतलब किस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, जैसे सिक्योरिटी की, कितने सिक्योरिटी तक बजा रहे होते हैं? एक्चुअली हमारे जो यहाँ पर सिक्योरिटी की ऐसी व्यवस्था है कि पहले हमारा टेंडर होता है, उसमें से जो भी नोएडा बाजार में निकलता है सारे फॉर्म भरते हैं, इसके बाद L1, L2, L3, फिर जो L1 होता है, जो तीन होते हैं L1, L2, L3, फिर हमारे जो यहाँ के सेलेक्ट होते हैं, फिर उन्हें ले जाया जाता है। कमेटी बनती, कमेटी जांच करती है औचक निरीक्षण करके कि वाकई वो उस लायक है या नहीं, इसके बाद फिर जो L1 होता है उसमें से जो अच्छा, मतलब हम कार्य भी और प्लस मिनिमम उन दोनों चीजों को देखते हैं, और इसके बाद जो अच्छा वो होता है इसके बाद उसे दे देते हैं। फिर इसमें से 45 जो गार्ड सुपरवाइजर ये सारे रहते हैं, और ये पूरे एक साल के लिए दिया जाता है टेंडर, और ये सारी व्यवस्था सिक्योरिटी की बहुत मजबूत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा मैम, अभी ATM या बैंक वगैरह की यहाँ पे नजदीकी किस तरीके की अपार्टमेंट? ये हमारे केंद्रीय बिहार के ही अंदर बैंक है, स्टेट बैंक है, और गेट नंबर 1 में है, जो गेट नंबर 2 में ATM की व्यवस्था है। अच्छा। जो कहीं यहाँ के नागरिकों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों व्यवस्था अंदर, बाकी जो आसपास के भी लोग हैं ना, और उद्योग बिहार और निम बिहार, वहाँ के भी लोग यहाँ पर बैंक में आते हैं। अच्छा, और मैम मैंने देखा कि अपार्टमेंट में आपके मतलब काफी हरा भरा पेड़ पौधे का यहाँ पे वातावरण काफी अच्छा है, तो इसको किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं? ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। हॉर्टिकल्चर में ये जितने भी माली वगैरह हैं, ये भी जैसे प्रोसेस इनका है सिक्योरिटी का, वैसे इनका है हॉर्टिकल्चर, हाउसकीपिंग, ये दोनों का, तीनों चीज का टेंडर होता है, बाहर से टेंडर पड़ता है, फिर जो जैसे L1 L2 जैसे प्रक्रिया होती है उसी प्रकार से फिर हमारे केंद्रीय घर के अंदर ही पौधशाला नर्सरी तैयार की जाती है, और वहीं सारे जिस जो सीजनल पौधे होते हैं, जो जैसे वो होते हैं, उस हिसाब से लगाया जाता है, पूरी व्यवस्था है, मतलब हर तरीके से व्यवस्था अच्छी है यहाँ पर। हाउसकीपिंग की ले लीजिए, वो भी व्यवस्था, मतलब हम अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ के निवासियों को तो काफी सुविधा। जैसे अभी कितने लोग लगभग यहाँ पे रह रहे होंगे अपार्टमेंट में, कितने अपार्टमेंट? अभी ये केंद्रीय विहार में 2276 फ्लैट है। अच्छा। जिसमें से अभी 8000 लोग रह रहे हैं। इतना मतलब सब कुछ होने के बाद किस तरीके की अभी कमी महसूस हो रही है, जिसको अगर पूरा किया जाए तो उससे लोगों को ज्यादा फायदा? अभी अपने हिसाब से तो हमें मतलब कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि अब हम ये चाह रहे हैं कि विस्टर पार्किंग बाहर, मतलब जो विस्टर हैं उनकी गाड़ी की व्यवस्था बाहर हो, इसके लिए हम कार्य अभी तेजी से कर रहे हैं, ताकि हम अपने क्या कहते हैं गेट के अंदर 2 गाड़ी लगवाएं, जो वहीं पर लोग वहां उसमें बैठ करके केंद्रीय, क्योंकि केंद्रीय विहार बहुत बड़ा है और आने जाने में असुविधा होगी, इसके लिए जैसे ही गाड़ी का इंतजाम हो जाता है हम विस्टर पार्किंग बाहर की ओर करेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा मैन सैदाब सिद्दीकी, संजय सिंह चौहान जी के बीच में।